भागलपुर के एक बड़े ही मिस्त्री ने अपने कारनामों से इलाके के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल जिले के घोगा के पनुचक निवासी बढ़ई मिस्त्री गणपति शर्मा ने बगैर ईंट के पक्का मकान का निर्माण किया है। गणपति शर्मा के ईंट रहित इस मकान में एक बरामदा, तीन कमरा और एक अंडरग्राउंड कमरा भी है। मकान के कुछ हिस्सों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। ईंट रहित इस मकान की दीवार 7 से 8 इंच मोटी है, जिसे सीमेंट और रेत मिलाकर छत की ढलाई की तरह बनाया गया है। साथ ही छत के दीवार की डिजाइन भी इस कदर की गई है कि ईंट से बना मालूम पड़ता है, लेकिन वो भी सिर्फ सीमेंट और रेत पर बनाया गया है। मकान के दरवाजे के चौखट भी लकड़ी के बजाय सीमेंट और रेत से निर्मित किए गए हैं। गणपति शर्मा के मुताबिक इस तरह से मकान निर्माण में अन्य मकान निर्माण की अपेक्षा 3% कम लागत आती है। मकान निर्माण में राजमिस्त्री मजदूर का सहारा नहीं लिया गया है। परिवार के सदस्य के सहयोग से इस ईंट रहित मकान का निर्माण किया गया है। क्या कुछ गणपति शर्मा कह रहे हैं, एक बार आप खुद देखिए। सर, इसमें जो है ना सीमेंट, एक सीमेंट, 3 बालू 3 गिट्टी है। छर खड़ा दीवार में रखा हुआ है। सेंटरिंग मेरा जो है प्लाई से हुआ है और इसमें खुद अपने हाथ से बनाया है, लेबर नहीं लगा है, बच्चे लोग के सहायता से। और जो भी इसमें डिजाइन देख रहे हैं, कला देख रहे हैं, गणेश भगवान या मौर या कुछ भी, सब अपना कला है, राजमिस्त्री इसमें नहीं आया है। और ये जो है आपको ईंट के घर से 1/3 का इसमें बचत है। यदि 3 लाख ईंट घर में बनाने में लगता है, इसमें आपको 2 लाख लगेगा। और ईंट से मजबूत हम इसको साबित करते हैं। इसका उम्र हम 70-80 से कम नहीं रखते हैं। पूरे घर में ईटा का इस्तेमाल हुआ है? ईटा जो हम तरी का जो लेवल किए हैं, बस वही लेवल किए हैं। उसके बाद जो हमारा है लेवल पर बीम जो डाले, वो बीम से मेरा पूरा एकदम बिना ईट का है, पूरा मकान बिना ईट का। नीचे का समतल जो बनाए ईट से और उसके बाद उसमें बीम ढाले, तो पूरा बीम में छड़ दे करके ऊपर किए हैं अपने। देखिए, इसमें कोई इंजीनियर का सही से नहीं है, जो भी है डिजाइन अपना है, अपना कला है। बस प्लाई का आप सेंटरिंग किए, उसके अंदर छड़ था, उसमें ढाले हैं। ईंट का इस्तेमाल बस तरी के नीचे जो चौरस किए हैं चारों तरफ तरी, बस वही है। हाँ, बाकी उसमें बीम डालने के बाद ऊपर यहाँ से वहाँ तक पूरा जो हमारा RCM कहिए, ढलाई कला है। ईंट नहीं है, एक भी नहीं है। नीचे तरी बांधने के बाद एक भी ईंट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जिस घोगा में बिना ईंट के मकान का निर्माण किया गया है, उस घोगा में वहां की निर्मित ईंट बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के कई जिलों में भेजा जाते हैं। घोगा में कई ईंट भट्टे हैं। वहीं इस परिवार ने ईंट रहित मकान बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दूर दूर से लोग इस मकान को देखने आ रहे हैं और मकान बनाने की इस तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गणपति शर्मा ने बताया कि जो भी लोग इस मकान को देखने आते हैं, वो जरूर तारीफ करते हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। आप क्या सोचते हैं इस मकान को लेकर, कॉमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।